उत्तराखंड में जितने भी छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल आज लेकर के आया हूं। जैसा कि सभी लोगों को विदित है, देश में कोरोना महामारी की वजह से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है, तो ऐसे में जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, उनके भविष्य में जो भी प्लान है उस पर भी एक तरीके से ब्रेक लगा हुआ है कि वो लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे समय में दोस्तों हमें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। कुछ चीजें मैं आपको आज बताऊंगा, जो भी छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी अभी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी वो लोग करने का मन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बातें लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जो मेरा संदेश है दोस्तों, सबसे पहले तो वो यह है कि अपने मन में यह भ्रम न रखें कि अब कोई एग्जाम होगा भी या नहीं भी होगा या कब होगा, क्योंकि दोस्तों जब हर शाम के बाद सुबह होती है और हर धूप के बाद छांव आती है, तो निश्चित ही आप ये सोचिए कि ये जो कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हो रहा है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब चीजें ठीक हो करके आपके परीक्षा की तिथि आएगी। जो भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई विशेष उत्तराखंड विशेष की तैयारी कर रहे हैं या समूह की तैयारी कर रहे हैं या फिर 746 पदों पर जो फॉर्म भरे जा रहे थे उनके लिए आप लोग सपना देख रहे हो, तो सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के बीच में कुछ ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं कि जो डिस्टर्ब हो चुके हैं सब कुछ, वो थोड़ा सा पढ़ाई की ओर अग्रसर हो, क्योंकि इस बीच मैं स्वयं भी देख रहा हूं मेरा भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो आप लोगों के साथ भी ये सब चीजें हो रही होंगी, तो क्यों ना हम डिस्कस करें कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और हम उत्तराखंड की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में अगर कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर होता है, परीक्षा होती है, तो उसमें जो एक जनरल सिलेबस है वो यह है कि 40% यानी 40 क्वेश्चन आपको जो है उत्तराखंड से संबंधित पूछा जाता है, कितना 40%। ओके, उसके बाद 20% क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से संबंधित, ओके, देन 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, ये तो जानकारी लगभग सभी छात्रों को है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम फोकस करते हैं देखिए मेजर पार्ट पे जो उत्तराखंड का है, क्योंकि इसकी तैयारी कोई और स्टूडेंट भी अगर कोई यूपी से है, अब यहां तो आप देख रहे हैं समूह में यूपी के लोग भी अप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो भी इसकी तैयारी ठीक ठाक करके रखता है, जीएसटी हिंदी भी हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो मेजर पार्ट है वो हमारे स्टेट का है यूके का, यानी उत्तराखंड जीएस का। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड जीएस में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, यदि बुक पढ़नी भी चाहिए तो कितनी पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से हमें क्या क्या चीजें सिलेबस में होती हैं। जो लोग बिल्कुल नए छात्र हैं अभी अभी सोच रहे हैं तैयारी करने का, उन लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो लाभप्रद होगी। तो उत्तराखंड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में क्या क्या चीजें आती है। अच्छा एक बात और, बहुत सारे मेरे छात्र ऐसे होते हैं जो कि मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके ये पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो सबसे बड़ी बात आप यह कोशिश कीजिए कि कम से कम बुकें पढ़ें, लेकिन एक ही बुक को कई बार पढ़ें। अगर आप कम से कम बुकों को पढ़ते हो लेकिन एक ही बुक को कई बार पढ़ते हो, तो इससे यह होता है कि आप जो भी मेटेरियल पढ़ते हैं उसमें आपका गहन अध्ययन होता है, और आजकल यूके चंपाजी जो एग्जाम करा रहा है तो उसमें किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल गहनता से पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ बुकें मैं आपको बता रहा हूं, उससे अधिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सभी को पता है उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी जो है सबसे सफलतम बुक है, यह तो हर किसी को पढ़ना है, भले ही इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें कम है, हिस्ट्री कम है, ये सब शिकायतें हैं। दूसरी उसके बाद जो बुक है दोस्तों वह है अजय रावत, अजय रावत जी की जो
प्रकार की पुस्तकें उत्तराखंड की हैं। अब मैं आपको इन्हीं तीनों बुकों को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये बुकें हैं, सभी लोग इन बुकों को जानते हैं। ये देखिए, ये अजय रावत की बुक है, अजय रावत जी की ये परीक्षा वाणी बहुत चर्चित, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। एंड ये है बलौदी जी की बुक। तो दोस्तों दरअसल आज दिन भर में बैठा था तो मैं वन विभाग का पेपर देख रहा था नेट पे, तो वन विभाग के एक पेपर में मैंने देखा कि अगर इन तीनों बुकों का सही से अध्ययन किया जाए तो मैंने यह देखा कि जो 40 क्वेश्चन आता है उस 40 में से आउट ऑफ 40 से जो है 34 क्वेश्चन मुझे इन बुकों में डायरेक्ट मिल गए थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है। तो यहां पर देखिए 35-34 क्वेश्चन यानी 35-34 क्वेश्चन मुझे जो है दोनों सेक्शन में, चाहे वो मॉर्निंग सेक्शन का पेपर हो चाहे वो इवनिंग सेक्शन का पेपर हो, 35-34 क्वेश्चन मुझे जो है इन तीन बुकों में मिल गए थे। अब प्रश्न यह आता है मन में कि अगले जो 6-7 क्वेश्चन है वो कहां से आए। तो दोस्तों ये जो 6 क्वेश्चन होगा ना, ये 34-35 क्वेश्चन तो वो थे जो डायरेक्ट मुझे बुक में मिल गए, जिनके आंसर बिल्कुल सीधे सीधे मिल जाते हैं। लेकिन तीन अलग अलग बुकों में बिल्कुल एकदम कहते ना कि दिया लेकर के जो है ढूंढोगे चिराग लेकर के तब मिलेगा, ठीक है, एकदम सीधे सीधे नहीं मिलेगा। अब ये 6 क्वेश्चन कौन है दोस्तों? 6 क्वेश्चन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं जो किसी बुक से नहीं होते, या हो सकता है बहुत ज्यादा आप जो सोच भी नहीं सकते उस बुक से हो, या हो सकता है कुमाऊं के इतिहास से हो, गढ़वाल के इतिहास से हो, लेकिन या फिर क्या होते हैं वो बुक कॉमन सेंस लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों अक्सर होता क्या है, जो छात्र पढ़ने वाले होते हैं उनके ये जो 6 वाले क्वेश्चन होते हैं, इस 6 में से करीब 3 क्वेश्चन कॉमन सेंस के जो होते हैं वो सही हो जाते हैं। या ये कह लीजिए अगर पीछे एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कॉमन सेंस के तो 5 सही हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो ये करता है कि जो 35-35 क्वेश्चन आपकी बुक से आया क्या आपने वो सही किया है? नहीं। तो जितने भी छात्र मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं YouTube पे या फिर Facebook पे, सबसे पहला प्रश्न अपने पे या फिर Facebook पे सबसे पहला प्रश्न अपने मन में ये कीजिएगा कि जो क्वेश्चन जिन लोगों ने फॉरेन गाइड का पेपर दिया, तो अपने मन में ये क्वेश्चन कीजिएगा कि इन तीन बुकों से जो बेसिक बुक है यदि कोई क्वेश्चन आया है क्या आपने वह सही किया है? यदि आपने वो गलत कर रखा है तो आप तो यहीं पर बैकफुट पर आ गए। अब होता क्या है कि इस 34-35 में से नॉर्मली जो छात्र सही करते हैं कितने करते हैं? 18-19, ठीक है। तो आप अगर 35 में से 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही करोगे तो आप तो बैकफुट पर आ जाओगे। कंपटीशन में यहीं पर इसी को बोलते हैं सरल क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन। तो मेरी ये सलाह है, आप माने या नहीं माने, कि कम से कम बुकों को पढ़िए लेकिन बहुत अधिक बार पढ़िए। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको बता भी देता हूं, जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये अजय रावत जी की बुक है, इसके बाद मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। अजय रावत जी की ये बुक है, इस बुक में मैं आपको फ्रंट पे ही कुछ चीज दिखाने वाला हूं आज, ठीक है। तो वो यह है दोस्तों कि इसमें शुरू में देखिए थोड़ा प्रस्तावना टाइप का कुछ आमुख लिखा है, आप अपने घर पे बुक को देख सकते हैं। तो इस बुक में क्या किया कि आप जैसे एक इसका पहला ही पन्ना पलटेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब आप अपनी बुक में देखिएगा यहां पर लिखा है सन 1839 ईस्वी में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया था और इसका उत्तरदायित्व एक वरीयतम सहायक कमिश्नर को दिया गया था, यानी 1839 में गढ़वाल नाम का एक जिला बना था। गढ़वाल कौन था? वो पौड़ी गढ़वाल था। आगे करके परीक्षा वाणी में भी इस चीज को आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन आपके वन विभाग के पेपर में आ गया था। आयोग वर्तमान में क्या कर रहा है कि सबसे ज्यादा इस बुक से क्वेश्चनों को उठा रहा है और जो का जो बिल्कुल जो होता है उसी को सही आंसर दे देता है, चाहे आपकी किसी दूसरी बुक में वो आंसर 1840 ही क्यों ना हो। लेकिन आयोग क्या करता है कि इन जो 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 ये बड़े लोग हैं जिन्होंने ये बुक बना रखी है इन पर इतना फेथ है उन्हें कि इनको सही कर देता है। तो मेरी ये राय है, बाकी आप देख लीजिएगा इन तीन बुकों को पढ़िएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि परीक्षा वाणी अजय
समझ नहीं पाता है, बोर हो जाता है, उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि पढ़ नहीं पाते। कि आखिर पढ़ना क्या है बुक में? पढ़ना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जो सबसे पहली चीज है वह है उत्तराखंड का इतिहास। यदि आप उत्तराखंड के इतिहास को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो बाकी की चीजें आपको ज्यादा दिक्कत करने वाली नहीं है। जितने भी गुरुजन लोग या जितने भी छात्र लोग पढ़ते हैं, मेरे सीनियर हैं या मेरे समकक्ष भी हैं, देहरादून में भी बहुत सारे मेरे मित्र लोग पढ़ाते हैं, तो उन सबका यह मानना है कि उत्तराखंड का इतिहास, और मैं आपको बता दूं, हम लोग भी जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग हैं और मेरे और मित्र लोग भी उत्तराखंड के इतिहास की कई सारी बुकें पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं छात्रों को, आपको कई सारी बुकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड का इतिहास आपको जानने की सबसे पहले आवश्यकता है। अगर आप उत्तराखंड का इतिहास जान लेते हैं तो आप जो है 40 में से मान लीजिए कि आपका 10 से 15 क्वेश्चन तो सीधे सीधे तैयार हो गया और वो बिल्कुल सटीक होता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि इस उत्तराखंड के इतिहास में है क्या। दोस्तों हम जब भी उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें उत्तराखंड का इतिहास कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो इसको जो पढ़ना है उसको हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, जिससे क्या होता है कि उत्तराखंड का इतिहास समझने में आपको आसानी होती है। अब मैं एकदम से आपको बोल दूं कि चंद वंश समझिए, कत्यूरी वंश समझिए, पवार वंश समझिए, अंग्रेजों को समझिए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए शॉर्ट लैंग्वेज में मैं आपको बोल दूं, आपको अगर घर पे भी पढ़ना चाहते हैं, आप कोचिंग कहीं नहीं भी जा रहे हैं, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको बुक में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं, ये विचार मेरे अपने मत है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम जब बांटते हैं दोस्तों, तो हम कैसे बांटते हैं, सबसे पहले हम बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, अच्छा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल होता क्या है? प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है दोस्तों जो इतिहास से पहले का काल होता है, यानी जिस चीज के हमें बिल्कुल एकदम साक्ष्य नहीं होते हैं, कुछ हमें कुछ खोज के द्वारा, पुरातत्व के द्वारा जो चीजों के बारे में पता चल रहा है उसके बिहाफ पर हम लोग मान लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, ओके। अब लेकिन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो किसी भी इतिहास का जो सबसे बड़ा प्रमाण होता है वो होता है पुरातत्व। और पुरातत्व किसको मानता है? पुरातत्व ये मानता है कि सबसे पहले जो काल हुआ वो हुआ पाषाण काल। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तराखंड में मदन मोहन जोशी जी ने ये कहा है कि जो पाषाण काल था वो भी यहां पर 3 भागों में बटा हुआ था। वो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। लेकिन दोस्तों आपको जो भी समझना है, आपके सिलेबस में जो भी है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो सीधे सीधे बात क्या है कि प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल कि जिसके प्रमाण हमको गुफाओं के द्वारा, लेखों के द्वारा इस तरीके से प्राप्त हो रखे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल में दोस्तों, अब के प्रागैतिहासिक काल में हमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, मैं समय तो देखो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, थोड़ा मैं आपको आज केवल हिंट देने के लिए यहां पर आया हूं, पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमको कोई गुफा मिली, गुफाएं मिली, ठीक है, गुफाएं मिलती है यहां पर, या फिर दोस्तों हमको कोई लेख मिला, ठीक है, या फिर हमको कोई सावधान मिले, या पत्थर पर हमें किसी पत्थर पर कोई चित्रकारी मिल गई, तो दोस्तों वो सब किस में आता है? प्रागैतिहासिक काल में आता है। तो जब आप पढ़ेंगे इसमें, तो इस इतिहास को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे अच्छा स्रोत जो है वह है अजय रावत जी की बुक, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास माननीय अजय रावत जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा कि सबसे पहले जो था वो लाखू उद्यान, जो गुफा थी लाखू गुफा अल्मोड़ा में, उसकी खोज हुई थी,
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच की जो कड़ी होती है उसको बोलते हैं आद्य प्रागैतिहासिक काल। जैसे हम भारत के बारे में पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में तो आद्य प्रागैतिहासिक काल आता है, ऐसे ही दोस्तों हम उत्तराखंड में भी अध्ययन करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में क्या हुआ था। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में जो धर्म ग्रंथ आए थे जैसे ऋग्वेद है या स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में केदार खंड, मानस खंड और भी इसके अलावा तीन और है, टोटल पांच हिमालय खंडों का वर्णन किया गया, वो सब हम अध्ययन करते हैं इस दौरान, ठीक है। और देवों के बारे में भी अध्ययन इसी दौरान होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन हमें सबसे पहले करना है, उसके बाद ऐतिहासिक काल तो कोई भी बता देगा। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल, यानी ऐसा ही हुआ। ऐतिहासिक काल जब हम उत्तराखंड का पढ़ते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा है, इससे थोड़ा आसान है, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, यहां पर हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में सबसे पहले कौन आया। माना जाता है कि कुलिंदों ने सबसे पहले यहां पर जो है एक तरीके से शासन किया, यानी उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, कुलिंद थी। कुलिंदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अमोघभूति था, उन्होंने मुद्राएं चलाई और कुलिंदों का पता हमें कांची लेख से भी पता चलता है कि वहां कुलिंदों को कुलिंद कहा गया था, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया था। सारे ये सब अध्ययन आप ऐतिहासिक काल में करेंगे। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आप कुलिंद के बारे में पढ़ेंगे। आज तो मैं लगभग आपको उत्तराखंड में सार बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो भले ही इतना भी लंबा होगा आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगा तो, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जब आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे बताने का तरीका छात्रों को अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है या फिर जो है कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में कुलिंद के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और सब कुछ मेटेरियल बुक्स में है, मैं आपको जो तीन बुक बताए थे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है, ओके। तो कुलिंदों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब हम कुलिंदों के बारे में पढ़ते हैं तो उसके आगे कुछ चीजें होती है, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इधर स्पेस का भी प्रॉब्लम है। जब कुलिंद वंश हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश। तो दोस्तों सब हिस्टोरिकल चीजें पढ़ रहे हैं, होता क्या है कि कार्तिकेयपुर राजवंश आया, ये कब आता है, लगभग 700 ईस्वी में, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश भाई उसका एक अपना इतिहास है कि वासुदेव ने यहां पर परिवार बनाया, अलग अलग तीन परिवार हुए, यहां से क्वेश्चन भी लास्ट टाइम देखा गया है, हर बार यहां से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये भी अपनी बुक में पढ़ना है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक। इसके बाद उनको यही आगे चल के कठिनी हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो अगला जो काल आता है, क्योंकि हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल के बारे में ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य काल के बारे में, मध्य काल। अब दोस्तों अब आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी बीच में मीडिएवल आता है, मध्यकाल। मध्यकाल में सब क्या होता है भारत की हिस्ट्री में कि गुलाम वंश, खान खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब चीजें होती है ना, वहां से लेकर के मुगलों के आगमन तक, दिल्ली सल्तनत जो होता है। लेकिन यहां पर मध्यकाल थोड़ा सा अलग है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान देने की बात है, किसी भी राज्य किसी भी देश का इतिहास सबसे ज्यादा जब ग्रो करता है, तरक्की करता है या विकसित होता है वो मध्यकाल में होता है। तो यहां पर मध्यकाल को आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। मध्यकाल में होता क्या है दोस्तों कि दो प्रकार की नई शक्तियां जन्म लेती हैं। एक तो कुमाऊं में जब कटुरों का विघटन हुआ, ये क्रिया ये कह लीजिए कि कटुरों की शक्ति समाप्त हुई, वो धीरे धीरे फैल गए, विभाजित हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि कुमाऊं पर चंद वंश का शासन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत लंबी वीडियो बहुत सारी चीजें बता दी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। चंद वंश कुमाऊं में आ जाता है, ओके। और गढ़वाल में क्या होता है दोस्तों, गढ़वाल में 888 ईस्वी आते आते क्या होता है कि पवार वंश स्थापित हो जाता है। पवार वंश को कहीं कहीं परमार वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों मध्यकाल में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद वंश आपको पढ़ना है, पवार वंश आपको पढ़ना है।
49 तक क्या हो जाता है, टीरी टीरी रियासत के रूप में यहां पर एक नई उत्पत्ति होती है, आपको पता ही है आगे बढ़ेंगे। लेकिन चंद वंश क्या होता है दोस्तों, एक लंबी अवधि तक चल करके, अच्छा चंद वंश के भी जो जो समय अवधि है, बहुत सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत है, कोई लोग बोलते हैं कि 600-700 ईस्वी से शुरू हो गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है, मोस्टली जो माना जाता है वो 900 या 953 ईस्वी ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो चंद वंश चला 1790 ईस्वी में जब गोरखों का आगमन होता है तो यहां पर चंद वंश का अंत हो जाता है। तो यानी कुमाऊं में चंद वंश का अंत कब हो गया 1790 में, और पवार वंश का अंत कहां होता है दोस्तों, पवार वंश क्या होता है कि 1804 ईस्वी में फिर गोरखे जो है गढ़वाल पर जीत कर लेते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके यहां पर यहां भी कुमाऊं में भी गोरखे आ गए, गढ़वाल में भी गोरखे आ गए, यानी अब पूरे कुमाऊं गढ़वाल में किसका शासन हो जाता है, गोरखों का शासन। तो मध्यकाल की जब हम बात कर रहे थे तो ये सब चीजें हम पढ़ रहे थे मध्यकाल में, मध्यकाल में यहां पर चंद वंश पवार वंश उसके बाद गोरखे आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यहां पर आगमन होता है ब्रिटिश का, ब्रिटिश का या ये कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का 1815 ईस्वी में, होने को 14 से ही आ जाते हैं लेकिन 15 से उनका शासनकाल माना जाता है, और कहां तक 1947 ईस्वी तक ये सभी आते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अब आप देखिए आपने क्या चीजें देखी, आपने पहले देखा कि प्रागैतिहासिक काल, फिर आपने देखा ऐतिहासिक काल, फिर आपने देखा मध्यकाल। दोस्तों शॉर्ट में मैंने बताया दोनों वंश पढ़ेंगे, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, ये पढ़ना है आपको, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए, चाहे आप किसी कोचिंग में जाइए, चाहे आप घर पर पढ़िए। घर पर पढ़ना चाहते हैं जो 3 बुक मैंने आपको बताई उसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन समस्या एक ही होती है कि अगर घर पर सब कुछ समझ में आ जाता तो लोग कोचिंग ही क्यों जाते। और हाँ एक ही और बता दूं, कोई भी कोचिंग वाला चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है सर, वो सिर्फ आपको एक दिशा दे सकते हैं, हम या कोई भी सर अपने आप में कोई भी कोचिंग पढ़ाने वाले भगवान नहीं है, सिर्फ हम केवल आपको एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, गाइड दे सकते हैं, पढ़ना आप ही को है। बस इतना है कि कोचिंग में आने से क्या होता है, हम अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं और आपको मंजिल तक पहुंचने में केवल हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं, बाकी आपको जो भी सफलता मिलती है, कभी आप ऊंचे पदों पर जाते हैं सफलता लेते हैं, उसमें सिर्फ सिर्फ क्रेडिट आपकी मेहनत को जाता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं, हम तो केवल एक ब्रिज हैं। अगर कोई 10 साल की कोचिंग पढ़े अगर वो सही से नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा, अगर कोई 1 साल भी सही से पढ़े एक बार भी सिलेबस को अच्छे से पढ़े मेहनती हो तो सफल हो जाएगा। तो ब्रिटिश अब यहां पर ब्रिटिश जब आता है तो हम इसको ले लेते हैं आधुनिक काल में, आधुनिक काल में। अब इस तरीके से देखिए दोस्तों, 4 कालों को आपने पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। मध्यकाल में आपको टीवी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलिए तो आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आधुनिक काल में ब्रिटिश के साथ जो यहाँ पे ब्रिटिशों का शासन था, कमिश्नर का शासन होता था दोस्तों, मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। 24 कमिश्नर थे यहाँ पे, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, 24 कमिश्नर पे किस कमिश्नर ने क्या कार्य किया, कैसे किया, कौन सा अच्छा था, रेंटे का शासनकाल क्या था, कि कौन कमिश्नर किस सन में आया, किसने कौन सा बंदोबस्त किया, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, पत्रकारिता का समय आएगा 1842 ईस्वी से, फिर आपको पत्रकारिता के बारे में पढ़ना होगा, पहले पत्रकारिता मजदूरी से होती थी, और पत्रकारिता या अखबार क्या करते हैं कि स्वतंत्रता की आवाज को भी उठाते हैं। तो धीरे धीरे आप अल्मोड़ा अखबार पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते 1900 ईस्वी में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसी उत्तराखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जनता जो है स्वतंत्रता की मांग करने लग जाती है और फिर शुरू होता है स्वतंत्रता संग्राम। भारत की आजादी के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में क्या हुआ, यानी कुमाऊं का योगदान, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, जहां पर आपको पढ़ना होगा कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान करके एक चैप्टर आएगा, आपको वो पढ़ना होगा। अभी भी हिस्ट्री चल रहा है सब कुछ, ये मैं आपको बता दूं, जो लोग मन बना रहे हैं तैयारी कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड में सरकारी जॉब पाएंगे तो उनके लिए ये चैलेंज है, उनको पढ़ना है, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं लेकिन आपको सिलेबस बता रहा हूं। ये सब पढ़ने के बाद जब भारत आजाद हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों जो
बीमा कांड क्या था,